का, वो तो बीजेपी वाले या किसी के बाप का पैसा नहीं है, सब सभी गरीब का पैसा है। और सरकार मौन है, सरकार केवल यही दफरी बजाती है कि मैं क्राइम करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करता। लेकिन हमको एक बात बता दो, ये पिता की हत्या उसके घर में घुस करके कर दिया गया, निर्मम हत्या किया, मतलब था कि हाँ वो जघन्य अपराध जो करने वाला वो कैसा आदमी था। और ये मुकेश जी के मनोबल को तोड़ने का एक साजिश, जनता पार्टी के किसी भी साजिश से मुकेश सहनी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आने वाला 2025 के चुनाव में इन लोगों को पता चल जाएगा। देख नहीं रहे पूरे बिहार में हत्याएं हो रही है, गोली चलाने वाला जो गोली चलाता है वो महिला बोलती भी है कि हम पर अमुक आदमी गोली चलाया, लेकिन उस अपराधी पर कोई हाथ नहीं डालता है। पत्रकार की हत्या हो रही, पत्रकार पर गोली चल रहा है, आम लोग हमारे यहाँ गोली चल गया, मतलब कोई भी जिला ऐसा है जहाँ हर रोज हत्या बलात्कार लूट नहीं हो रहा। और सरकार मौन है, सरकार केवल यही तफरी बजाती है कि मैं क्राइम करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करता। लेकिन हमको एक बात बता दो भैया, बिहार में 300 करोड़ रुपया का एक फूल अगर गिरता है तो वो तो हमारा आपका पैसा है टैक्स का, वो तो बीजेपी वाले या किसी के बाप का पैसा नहीं है, सब सभी गरीब का पैसा है। अगर वो 300 करोड़ का पुल, 400 करोड़ का पुल, दर्जनों पुल अगर गिर गया तो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? बिना भ्रष्टाचार का गिर गया? अपराध जो है दिन रात जो है बलात्कार किडनैपिंग मर्डर हो रहा है, कह रहा है कि क्राइम से समझौता नहीं करते। मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या कर दिया, मुकेश जी के पिता की हत्या उसके घर में घुस करके कर दिया गया, निर्मम हत्या किया, मतलब उम्मीद भी नहीं किया जा सकता कि हाँ वो जघन्य अपराध को करने वाला वो कैसा आदमी था। और ये मुकेश जी के मनोबल को तोड़ने का एक साजिश है, मेरा अपना जो मानना है। और इस दुख की घड़ी में पूरे इंडिया गठबंधन के साथी हम लोग जितने हैं सब मुकेश जी के साथ चट्टान के तरह खड़ा हैं और आगे भी खड़ा रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी साजिश से मुकेश सहनी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आने वाला 2025 के चुनाव में इन लोगों को पता चल जाएगा, कठपुतली की सरकार जो नीतीश कुमार कठपुतली बन के बैठे हुए हैं, इनके अगल बगल में बैठने वाला सलाहकार चला रहा है बिहार को, इससे मुक्ति बिहार को दिलवाना है।